बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो टाइमली आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है भरवे कीमा करेले, और यहाँ पर हम लोग पहले कीमा तैयार कर रहे हैं और बाद में करेलों के अंदर इसको फिल करेंगे। लेकिन इसकी तरकीब क्या है, मज़ेदार है, जो भरवे करेले हैं कैसे बनेंगे ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये कीमा, एक प्याज मैंने डाल दिया, एक टमाटर डाल दिया, एक चम्मच मैंने मिर्च का डाला, ये एक चम्मच नमक का, नमक कम ही डालना है तो करेलों में भी होगा ना, ये पौना चम्मच। ये अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे ना पकने के लिए रख देते हैं, गलने के लिए कीमे को। फिर इसके बाद ठंडा हो जाएगा ना, फिर पकाया चीज़ें आपको ना दिखाते हैं करके कैसे भरते हैं हम लोग करेले, वो सारा ना आपको तरीका कार बताते हैं। तो व्यूवर्स, एक कप हम लोगों ने पानी का शामिल कर दिया है इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग और इसको पकने के लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो से भरवे करेले कीमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको एक उबाला दिलाना है। एक उबाला दिलाने के बाद हम लोग इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे, और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो से हमारे भरवे करेले हैं वो कैसे तैयार होंगे। तो व्यूवर्स, ये है करेले जिनको हम लोगों ने फिल करना है। तो आप लोग इनका साइज़ देख सकते हैं कि किस साइज़ के हम लोगों ने जो से वो करेले लिए हैं। ये बहुत छोटा हो गया, ये वाले इतने बड़े सही रहते हैं। अच्छा, तो इतने साइज़ के मतलब जो से करेले वो ठीक रहते हैं, वो ज़्यादा ही बड़ा आ गया था, वो छोटा आ गया था, सॉरी। ये भी ठीक है, ये उसने बहुत ही छोटे छोटे दुकानदार ने डाल दिए बीच में। अच्छा, तो ये हमने आपको एक ओवर भी दे दिया, ये जो से करेले हैं वो हम लोगों ने मतलब फिल करने हैं। तो अभी कीमा हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया, करेलों को फिल करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर, ये जो हमारी रेसिपी है बेसिकली मतलब ईद स्पेशल है। अब जो सी हम रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे वो ईद स्पेशल ही होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बकरा ईद आने वाली है, तकरीबन 10 से 12 दिन रह गए हैं ईद में। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। मतलब गोश्त होता है, गोश्त अगर लोग ज़्यादा नहीं खाते तो कीमे की फॉर्म में जो से वो लोग खा लेते हैं। तो कीमे को आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है, आप लोग इस तरह कीमे को इन करेलों के अंदर भर के एक रेसिपी अपनी जो से हम तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने जो सी ये रेसिपी शेयर करी था कि आप लोग मतलब बकरा ईद पे ये रेसिपी भी बना सकते हैं। हमारा हो गया अच्छी तरह, ये मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाल दिया कीमे में। ये ना अब मिक्स करती हूँ मैं, थोड़ा सा ना इसे पकाऊंगी फिर मैं, तो फिर ना ये ना करेलों में ना फिल कर देंगे। ठीक है, तो व्यूअर यहाँ पे हम लोग जो से करेले हैं उनकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी जो सी है वो करेले कीमा है। तो हम लोगों ने फिलिंग यहाँ पर तैयार की है। पहले हम लोगों ने कीमे को तैयार किया है, कीमे को पकाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च और धनिया कितने ही पकाएंगे हमें। हम अब 5 मिनट पकाएंगे ये ऐसे भर के ना, जितने मतलब डालना है हिसाब से आप डाल लेना। ये कि करेले के हिसाब से डलेगा ना, जितना बड़ा करेला होगा उसके हिसाब से। ये देखिए, ये मैंने भर लिए इसे, अब ये ऐसे करके ना मैं भर ले लूँगी। अब ये मैं ऐसे ना बंद करती हूँ इसे, ऐसे करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ इसमें। अच्छा जी, ये ना मैं सी रही हूँ, ये देखें, ये धागा सुई में डाल दिया था ना मैंने, ये देखें। अगर ऊपर से बांध दो ना इसे तो वो खुलता जाता है, जब तलते हैं ना तो वो खुलने लग जाता है। इससे ना मैंने सी के ना फिर खुलते नहीं ये। ये देखिए, थोड़ा सा आगे कर दें ताकि कैमरे, ये देखिए, हाँ ऐसे ना सी जाएंगे, मोटे मोटा सा सीना है बस। ये कौन सा कोई, इसको सीने के बाद फिर आपने इसको बाद में फ्राई करना है। हाँ जी, इसे फ्राई करेंगे ना, फिर उसके बाद मैंने प्याज काटे हैं, प्याज काट के वो हल्के से तो थोड़े थोड़े से ना मैंने बारीक बारीक ना करेले भी काटे हैं, वो भी डालेंगे बीच में जायके के लिए, फिर मसाला होगा ना, फिर रोटी भी खाई जाएगी। नहीं नहीं, एक मिनट समझ नहीं लगी, मतलब करेले आपने डाले कहाँ पे, डाले कौन सा मसाला तैयार कर रहे हैं आप?
नहीं वो ये करेले है ना, ये तालूंगे ना पहले, ये तो हो गया मतलब फिल कर लिया हमने इसको, फिर मैं ना थोड़े थोड़े ना बारीक से मैंने करेले काटे हैं, थोड़ा सा मसाले के बहुत थोड़े से वो मैं तलूंगी, फिर उसमें प्याजों में डाल दूंगी ना, फिर मैं टमाटर डालूंगी, जैसे आम हम लोग मसाला सब बनाते हैं प्याजों का, वो बना के ना जो बचा हुआ यकीमा होगा वो भी डाल दूंगी, फिर ये है बच्चे ना रोटी भी खा लेंगे, ये सूखे नहीं ना खाए जाते करेले। अच्छा तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी रेसिपी है वो टू इन वन है, कि मतलब एक तो आप ये वाली रेसिपी सीख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग मतलब भरवे करेले आपको सिखा रहे हैं, और उसको मतलब भरने के बाद फिल करने के बाद मम्मा जोन साहब के सामने उसको टांके टूंके लगा रहे हैं, उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन टू इन वन टू मतलब क्यों मैंने बोला है कि दूसरा जो सा अभी मम्मा ने हमें इंकशाफ किया वो ये है कि हम लोग इन रेसिपी के लिए मसाला भी तैयार करने जा रहे हैं। मसाले में छोड़ देंगे ना, मसाले में छोड़ देने हैं, फिर वो निकाल निकाल के खाई जाएंगे, फिर हम निकाल निकाल के खाए जाएंगे, पहले हम छोड़ देंगे फिर निकाल के खाएंगे। हाँ, तल के ना बीच में डाल देंगे, इतना प्यारा लग रहा है, वाइट वाइट हाथों में ग्रीन ग्रीन सा। अच्छा तो अब इसको हम लोगों ने स्टिच स्टिच कर लिया है। चलो मैंने कहा ईद आने वाली है, मेरी बहन भाइयों को ये भी रेसिपी आ जाए जिन्हें नहीं आती, कई लोग ना वो चलो की दाल डाल के ना बनाते हैं, वो नहीं मैं पकाती ना मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैं कहा चलो ये कीमे वाले बनाएंगे ना तो अपने बहन भाइयों से भी शेयर कर लेते हैं, वो भी बना लेंगे, ईद अब आ रही है, अल्लाह खैर करे। कितना परफेक्ट आपको एंगल दिखा रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह स्टिच किया है और कितना माशाल्लाह क्लियर और अच्छा आप लोगों को मतलब व्यूज आ रहा है इसका, तो आप लोग बसानी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मम्मा अब हम बाकी भी फिल कर लेते हैं, बस एक ही मतलब अपने व्यूअर्स को हम लोगों ने ओवरव्यू देना था वो हम लोगों ने दे दिया है, तो बाकी फिल करते हैं। ये है कि मेहनत बहुत होती है कैंची के साथ काटने से, मेहनत बहुत होती है, ये धागा काटो ना, धागा मेरी उंगली नहीं काटनी, ये औलाद काट भी देगी उंगली मेरी। मुझे नजर ही नहीं आ रहा था धागा, नजर नहीं आ रहा था, इसने मम्मा की उंगली काट देनी थी, फिर मेरे उंगली के बगैर हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मा कैसे आपकी उंगली काट सकते हैं, मजे मजे के खाने को खिलाएगा फिर बना के, देख लो बच्चे क्या करते हैं, मम्मा की उंगली भी काटने को तैयार है आजकल। नहीं हम मम्मा की उंगली नहीं काटते, हम आपको काम करने देते हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखें मजेदार से, आप जरूर बनाएं और हमें बताएं कैसे बने जो करेले हम लोग तैयार कर रहे हैं, भरवे करेले आपके सामने, आपको कैसे लगते हैं। हाँ जी जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जोन से करेले हम लोगों ने आप लोगों के सामने फिल किए थे, अब इसको हम लोग फ्राई करने लगे, यहाँ पे हम लोगों ने कुकिंग ऑयल जोन सा वो गर्म कर लिया है और वन बाय वन सब हम जोन से हैं करेले इनको फ्राई कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एकदम से इसको पलटना नहीं है, आप लोगों ने प्रेशर का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा तेज़ ना हो ये ना उसके से करेले जो से वो आपके जल जाएँ, तो बिल्कुल आपने लाइट सा कलर देना है इन करेलों को, इनको फ्राई करते हैं और साथ आप लोगों को बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ही जो से हमारी रेसिपी फाइनल होगी, क्योंकि आलमोस्ट ये हाफ डन हो चुकी है, करेले जो से हम लोगों ने फिल कर ली है, लेकिन अब बारी जो से वो दूसरे स्टेप की है, जो सा अभी आपको मम्मा ने बताया कि मसाला तैयार करना है, वो कैसे तैयार करना है वो आप लोगों को देखना होगा, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हाँ जी, ये देखो ना अब हम कर रहे हैं ऐसे, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं करना, ज़्यादा हिलाना भी नहीं, धागे ना टूट जाएँ। पहले ना मैंने ना इन्हें छील के ना नमक लगा के धूम में रख दिया था एक घंटे के लिए, फिर मैंने निचोड़ा इसे अच्छी तरह मल के, नमक वाले थे ना ये, फिर मैंने ना इन्हें तीन पानियों में निकाला, मतलब साफ साफ पानियों में से निकाल के, फिर आपके सामने ये मैंने ना सीए हैं कीमा डाल के, तो अब ये देखिए ना हल्की आँच से ना मैंने इसे ना हल्के डार्क ब्राउन करूँगी, फिर उसके बाद बकाया काम होता है, फिर आपको निकालने लगे हैं, मैंने नीचे रख के ना निकालती हूँ। हाँ जी, ये मैं निकाल रही, दूसरे मैंने डाल दी है, और ये मैंने अच्छी तरह हिला देती हूँ, हो रहे हैं थोड़ी सी कसर है अभी, ये मैं आपको बताती ना, ये मैंने ना थोड़े से ना काटे थे बारीक बारीक से, ये भी मैं बीच में डाल देती हूँ, ये भी साफ ही हो जाएंगे, ये भी मैंने डाल दिए साफ ही हो जाएंगे, ये भी करेले हैं बारीक बारीक काटे हुए, क्योंकि ये मसाले में आएंगे ना तो फिर इसमें बड़ा अच्छा जायका बनता है मसाले का, ये भी साफ ही हो जाएंगे,
लोग देख सकते हैं जो से करेले हम लोगों ने फ्राई किए थे ये वो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर प्याज पड़े जिनका हम लोगों ने मसाला बनाना है और हरी मिर्चें भी हम लोगों ने काटी हुई हैं। यहाँ पर है नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। अब हम लोग इसको मसाला तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तीन टमाटर भी डालने हैं। हाँ जी, ये प्याज, हरी मिर्चें, क्योंकि इससे ना मसाला सा भी हो जाता है, रोटी भी लग जाती है। ये थोड़े सिले नहीं करते हैं प्याजों को, नरम से हो जाएंगे ये तो ना। ये मैंने ना साथ ही ना तीन टमाटर काट के रखे थे, वो भी डाल दिए। और थोड़ा ना नरम होने का ना वेट करते हैं इनका, नरम हो जाए, 5 मिनट तक नरम हो जाएंगे ये। साथ ही ना फिर करेले डाल के ना मसाला डाल के ना दम दे, और साथ कीमा भी डाल दी। तो फिर सभी इसको पकाते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। ये कीमा, ये बच गया था ना कीमा, तो ये मैंने ना बीच में अब डाल दिया सारा कीमा मैंने डाल दिया। अच्छा, ये मसाले, ये अच्छी तरह ना हमने मिक्स कर लेना। ये देखो, अब बनाए इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे ये। जो खाएगा इंशाल्लाह तारीफ करेगा आपकी। लेकिन शर्त ये कि आपने कुकिंग विद नाज़िम की रेसिपी के मुताबिक बनाने हैं। अगर आप कुकिंग विद नाज़िम के मेथड को फॉलो करेंगे तो ही आपकी जो सी रेसिपी अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ क्योंकि कड़वे रह जाते हैं करेले। और सबसे मेन मसला यही आता है कि जो से करेले हैं वो कड़वे होने की वजह से कोई खा नहीं पाता। तो इस जिस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने गाइड किया, उसी तरह आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना है, तो इंशाल्लाह कड़वे भी नहीं बनेंगे असल में, ये ना गर्मी बहुत है इधर और अच्छे भी बनेंगे। अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश नहीं ना हुई इसीलिए जुबान भी ना गर्मी में आ गई है, बहुत ज्यादा तप चढ़ गई है जुबान को, तप चढ़ गई है, सही नहीं निकल रहे। ये देखे मैंने मिक्स कर दिया, जो ये मसाला ना ये इनमें भी चला जाएगा, जायका मसाले का ना। मैं 10 मिनट लगा फिर हम लोग देखते कि कौन सी हमारी आज की रेसिपी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, घी भी आ गया है और अब इसको रिस्टोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है भरवे करेले कीमा तैयार होगी। तो आप लोग आज की रेसिपी को 2-in-1 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमने आप लोगों के साथ भरे हुए करेलों की रेसिपी शेयर की, इसके साथ साथ हम लोगों ने इसकी ग्रेवी मतलब मसाला भी तैयार किया है, ताकि आप लोग वो लोग जो कहेंगे हम लोग करेलों का कैसे रोटी खा सकते, सूखा सूखा सा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेवी भी तैयार की है, ताकि आप आसानी से मज़े मज़े के साथ जो से हैं भरवे करेले वो खा सकें। और कोई भी अब करेलों को कड़वा होने की वजह से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने हमारी जो सी रेसिपी है कुकिंग विद नाज़िम की रेसिपी के मेथड को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो हमारी रेसिपी है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जब आप अपने घर वालों को बना कर देंगे तो वो तो गर्विदा हो जाएंगे आपके भरवे करेले कीमे के। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग। अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।